हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया सहादरा की साइबर थाने की टीम ने। सहादरा जिला के DCP रोहित मीना ने रविवार की सुबह 9:59 पर मीडिया को बताया कि 25 फरवरी को शिकायतकर्ता अनामिका शर्मा जो रहने वाली कृष्णा नगर की हैं, उन्होंने एक शिकायत दी सहादरा के साइबर थाने में के एक फेसबुक ग्रुप पर एक संदेश मिला माता वैष्णो देवी के टूर पैकेज के बारे में, जो कि सबसे सस्ता पैकेज दे रहा था 1300 रुपये पर व्यक्ति, जिसमें शुल्क में भोजन भी शामिल था और घोड़े के माध्यम से यात्रा भी थी। इसलिए वह प्रस्ताव उन्होंने लिया और फेसबुक के अंदर एक QR कोड था, उसके माध्यम से 1300 रुपये के। इसके अलावा उसने कहा कि उनकी 24 अन्य महिला और भी थी, उन्होंने भी पे की थी और यात्रा की तिथि 17 फरवरी को थी, जो कि एक लग्जरी बस के माध्यम से जाना था, जो कि सहादरा मेट्रो स्टेशन के पास फ्लाईओवर के नीचे खड़ी होनी थी। जब शिकायतकर्ता अपनी अन्य 24 महिलाओं के साथ उस स्थान पर पहुंची तो वहां पर कोई भी बस नहीं खड़ी थी। इसके अलावा शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि वहां पर 25 अन्य महिलाएं और भी थी और काफी देर तक इंतजार किया मगर बस नहीं आई, जिसके बाद कॉल की तो वह नंबर भी स्विच ऑफ पाया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने शिकायतकर्ता महिला के बयान पर मामला दर्ज किया था, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 35/23 धारा 420 IPC के तहत मामला दर्ज किया था। मामले को सुलझाने के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया था। इस टीम के अंदर SI श्वेता शर्मा, ASI राखी, हेड कांस्टेबल अजीत, कांस्टेबल सौरभ, कांस्टेबल मनीष इसकी में शामिल थे, जो कि SHO संजय कुमार के नेतृत्व में ये टीम बनी थी। पुलिस टीम ने जांच चालू की और अधिकांश ठगे गए पीड़ितों से घटना के संबंध में सभी जानकारी हासिल की। सभी बैंक विवरणों और धोखेबाजों के नंबरों का विश्लेषण किया गया। गहन विश्लेषण के बाद और तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से टीम धोखेबाज की पहचान की गई, जिसका नाम मधुर कुमार के रूप में हुई, जो रहने वाला भाटिया कॉलोनी पानीपत हरियाणा का, जिसकी उम्र 36 साल है। पुलिस ने उसके आवास पर छापेमार करके आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया और पूछताछ के दौरान आरोपी मधुर ने खुलासा किया कि वह उक्त अपराध में शामिल है और आसानी से पैसे कमाने के लिए इसलिए उसने ये कृत्य किया। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने पीड़ितों को QR कोड स्कैन साझा किया और ये QR कोड उनके बहनोई तनु का था, जो कुरुक्षेत्र में रहता है। तनु से ठगी की रकम UPI के जरिए विभिन्न खातों में भेजी गई। फिर आरोपी मधुर ने उनसे नगद रुपए लिए। आरोपी के मोबाइल फोन से ये भी पता चला कि वह अप्रैल माह में अगली वैष्णो देवी यात्रा की तैयारी थी, इसी तरह वो लोगों को ठगता था। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 3 सिम कार्ड और 2 मोबाइल फोन और 5 लाख से ज्यादा की मनी ट्रेल और खातों में फंसी रकम जब्त की, जहां आरोपी से की जा रही है पूछताछ।